पर रोक लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ मनीषा तिवारी। 1 अप्रैल को गुरुवार के दिन अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियां को लेकर द्रमुक के ए राजा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार को लेकर उन पर ये रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने भाषण के दौरान टिप्पणियां करी थी उसे लेकर फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग ने द्रमुक के राजा पर ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां करी है उसे लेकर ये हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी चुनाव प्रचार के दौरान अपमानजनक या फिर अश्लील टिप्पणियां या फिर महिला की गरिमा पर ठेस ना पहुंचाने की हिदायत दी है। वहीं अगर बात की जाए तो यहां पे जिक्र करते हुए चुनाव आयोग ने जिक्र करते हुए ये कहा है कि यहां पे द्रमुक के राजा ने अपने भाषण में टिप्पणियां के दौरान ये कहा था कि एमके स्टालिन जो है अच्छे संबंध से पैदा हुए बच्चे हैं जबकि के पलानी स्वामी जो है खराब संबंध से पैदा हुए बच्चे हैं। इस तरह के टिप्पणियां करने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें फटकार लगाया और उनके चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने ये टिप्पणियां करी है उसे लेकर तो आपको बता दूं कि यहाँ पे वो 3 अप्रैल तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं जिस तरीके से जो विधानसभा के चुनाव होने वाले उस पर अगर नजर डालें तो आपको बता दूं कि तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं जो कि 6 अप्रैल को चुनाव होगा और 4 अप्रैल की शाम से ये जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं ये समाप्त हो जाएगी। अब जिस तरीके से यहाँ पे जो टिप्पणियां करी गई है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है द्रमुक के राजा पर, वेल इन सब मामलों को लेकर आपका क्या है कहना, आपकी क्या है राय, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया के ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।